हे फ्रेंड्स, अगर आपकी आंख में इस तरह का मांस दिखाई देता है और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दा लगता है और अब तो रोशनी को भी ख़राब करने लगा है और आप उसे हटाना चाहते हैं परमानेंटली, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको ये समझ में आ सके ये क्या होता है, कैसे होता है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट लोकेश दीक्षित और आप देख रहे हैं टेंशन गेट आउट। इस मांस को बोलते हैं हम टेरिजियम। टेरिजियम जो होता है वो एक ट्रायंगुलर शेप का कंजक्टिवल ग्रोथ होती है जो हमारे सफ़ेद पार्ट से कॉर्निया के ऊपर काले वाले पार्ट के ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये ट्रायंगुलर होता है और नॉन कैंसरस होता है। इसमें किसी कैंसर वगैरह का कोई खतरा नहीं होता और इसमें कोई दर्द वगैरह भी नहीं होता। लेकिन एक तो हमारी विजन को डिस्टर्ब करता है, जब ये ज़्यादा बढ़ने लगता है तो हमारी रोशनी भी ख़राब होने लगती है और कभी कभार तो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। और दूसरा जो है कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स पैदा करता है, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। जब इसकी जो ग्रोथ है वो हमारे कॉर्निया के काले वाले हिस्से के जब तक सेंटर पार्ट तक पिपलरी एरिया तक नहीं पहुंचती तब तक ये रोशनी में थोड़ा बहुत डिफेक्ट पैदा करता है। और अगर ये जो टेरिजियम है ग्रोथ करके अपने कॉर्निया के सेंटर तक पहुंच जाता है तो ये विजन को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। क्यों होता है? एक्चुअल में होता ऐसे है कि हमारा जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है जिसे हम स्क्लेरा बोलते हैं और हमारा जो काला वाला पार्ट जो हमें महसूस होता है कॉर्निया, कॉर्निया और स्क्लेरा का जहाँ जंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं लिम्बस। लिम्बस जो होता है वो लिम्बल सेल्स का एक ब्राउन कलर का राउंड सर्कल होता है। लिम्बल सेल्स जो होती हैं वो कंजक्टाइवा को, जो कि हमारे स्क्लेरा के ऊपर पाई जाती है, उस कंजक्टाइवा को ग्रोथ करने से रोकती है ताकि वो कॉर्निया पर ना चढ़ सके। तो जो लिम्बल सेल्स होती हैं वो एक बैरियर का काम करती हैं ताकि जो कंजक्टाइवा है वो कॉर्निया के ऊपर ग्रोथ ना कर सके। कभी कभार क्या होता है, अगर आप ज़्यादा डस्टी माहौल में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकी माहौल में रहते हैं या आप बाहर बहुत ज़्यादा बाहर सफ़र करते हैं और यूवी रेज का एक्सपोज़र, अल्ट्रा वायलेट रेज का जो सन का एक्सपोज़र होता है वो अगर ज़्यादा है और या फिर आपको चोट लग जाए, अगर इन कारणों से किसी कारणवश जो लिम्बल सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, लिम्बल सेल्स जो हैं अगर वो ख़राब हो जाती हैं तो वो जो बैरियर होता है वो टूट जाता है और जो कंजक्टाइवल ग्रोथ है वो कॉर्निया के ऊपर होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमें टेरिज्म के रूप में देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये समझा दूं कि ये ड्राइनेस होने से, स्मोकी माहौल में जाने से या फिर किसी चोट लगने के वजह से या यूवी रेज के ज़्यादा एक्सपोजर के वजह से जो लिम्बल सेल्स वीक हो जाती हैं, आप इन्हें दोबारा कोई ड्रॉप डाल के नहीं उगा सकते। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप कोई ड्रॉप डालेंगे और ये पीछे की तरफ हट जाएगा, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी ड्रॉप नहीं बना जो लिम्बल सेल्स को दोबारा से ग्रो कर दे और टेरिजम को वापस हटाने में मदद करे। तो ड्रॉप वगैरह से तो हटता नहीं है। इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो होता है सर्जिकल एक्सीजन, यानी कि इसका ऑपरेशन करवा के आपको हटवाना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी समझने वाली बात यह होती है, जो इसका सर्जिकल एक्सीजन होता है, जो इसकी सर्जरी होती है, वो दो तरह की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्जरी होती है उसमें हमें क्या करना होता है कि हम टेरिजियम की ग्रोथ को, टेरिजियम को और कॉर्निया के ऊपर से हटा देते हैं और हटाने के बाद में उसे पीछे की तरफ स्यूचर लगा के छोड़ देते हैं और वहाँ पे हम कोई भी लिम्बल सेल ग्राफ्ट वगैरह नहीं करते, जिससे कि हमें देखने को क्या मिलता है, उस समय तो टेरिजम हट जाता है लेकिन 2 महीने में, 6 महीने में, साल में या 2 साल में, खासकर यंगर पेशेंट्स को वो जो टेरिजियम है वो दोबारा कॉर्निया के ऊपर ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमें 2 साल में भी कभी कभार कुछ पेशेंटों में दोबारा देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें जो दूसरी सर्जरी होती है, उस सर्जरी में हम क्या करते हैं कि टेरिजियम को कॉर्निया के ऊपर से पीछे हटाने के बाद में आँख में दूसरी जगह से लिम्बल सेल्स को लेते हैं और लिम्बल सेल्स को उस जगह पर ग्राफ्टिंग कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं लिम्बल ग्राफ्ट। तो अगर आपको परमानेंटली टेरिजियम को हटवाना है तो आपको टेरिजियम सर्जरी हमेशा ही लिम्बल ग्राफ्ट के साथ करानी चाहिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि लिम्बल सेल्स होती ही नहीं है, उनमें क्या होता है कि किसी और आदमी की आँख में से, यानी कि किसी डोनर से लिम्बल सेल्स को लिया जाता है और दूसरे आदमी की आँख में ग्राफ्टिंग की जाती है। तो अगर आपको सर्जरी के लिए आप प्लान कर रहे हैं, आप सर्जरी कराना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है आपको लिम्बल ग्राफ्ट के साथ ही सर्जरी करानी है ताकि आप इसे बार बार होने से रोक सकें, ताकि सर्जरी कराने के बाद ये दोबारा आपकी आँख पे ना चढ़े। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे सर्जरी फिलहाल नहीं करानी, मैं कुछ दिन ऐसे ही टाइम पास करना चाहता हूँ, या फिर ऐसा है कि मेरे ज़्यादा ही ग्रोथ ना करे, ये रुका रहे, तो आपको लुब्रिकेंट ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है और जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो अगर आपको वीडियो नॉलेज से भरी हुई लगी है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।